आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव बेशक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा हो, लेकिन पार्टी हार की जिम्मेदारी केजरीवाल पर नहीं डालना चाहती है। इसकी जगह आप पार्टी हार की सामूहिक जिम्मेदारी लेने की बात कर रही है। वहीं पार्टी का बड़ा दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि पार्टी ने और क्या क्या कहा। लोकसभा चुनाव में आपकी चुनावी रणनीति के केंद्र में अरविंद केजरीवाल थे। अलग अलग इलाकों में चुनावी रैलियां करने के साथ केजरीवाल ने हर लोकसभा में रोड शो भी निकाला था। सबसे ज़्यादा रैलियां और रोड शो केजरीवाल के नाम पर रहीं। उसके बावजूद भी पार्टी सभी लोकसभा क्षेत्रों से हार गई। यहां तक कि 3 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। उसमें से उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी दिलीप पांडे और चांदनी चौक प्रत्याशी पंकज गुप्ता के तौर पर पार्टी के दो दो बड़े चेहरे भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय का कहना है कि आप पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार सामूहिक था, ऐसे में हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी लड़ा गया, जबकि आप पार्टी के लिए चुनौती ये थी कि वोटर की इस मानसिकता को तोड़कर दिल्ली के मसले पर वोट कराया जाए। इस मामले में पार्टी नाकाम रही है। पार्टी लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो सकी कि केंद्र के लिए हो रहे चुनाव में आप पार्टी को वोट दिया जाए। गोपाल राय ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम परिणाम आने के बाद सभी उम्मीदवारों से चर्चा की गई, जिसका फीडबैक यही रहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को वोट करने वालों में से ज़्यादातर लोगों का कहना था कि वो दिल्ली में केजरीवाल को वोट करेंगे। गोपाल राय ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं है। जनवरी फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव दिल्ली के मसले पर लड़ा जाएगा। इसमें एक बार फिर आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आप पार्टी के संगठन में फेरबदल संभव है। गोपाल राय ने बताया कि 26 को अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। विधायकों और विधानसभा पदाधिकारियों से भी बात होगी। इस दौरान चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी। इसमें जहां जहां ज़रूरत होगी संगठन में बदलाव भी होगा। अब देखना ये होगा कि 2020 में अरविंद केजरीवाल की ये हवाबाजी यानी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कितना सच साबित होता है और कितना गलत। द डेली न्यूज़ रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।